हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे 10 मिनट पे झटपट तैयार होने वाला रागी का मसाला रोटी। इसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और रात का डिनर में भी खा सकते हैं। ये सभी के लिए हेल्दी है और डाइट करने वालों को बहुत अच्छे है। तो चलो हम कैसे बनाते देखेंगे। 1.5 कप रागी का आटा के लिए 1/2 कप भिगो के रखा हुआ पोहा लीजिए। एक बर्तन में रागी का आटा लीजिए। उसमें भिगो के रखा हुआ पोहा डाल दीजिए। और स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छी तरह से मिला लीजिए। रागी का आटा और पोहा दोनों अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए, इससे रोटी मुलायम और टेस्टी बनेगा। बाद में इसमें 2-3 बारीक कटे हुए हरी मिर्ची, 1 बारीक कटे हुए प्याज और कद्दूकस किया 1 गाजर बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता और थोड़ा सा धनिया डाल के अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक नरम सा डो बना लीजिए। डो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे नरम बनना चाहिए। एक प्लास्टिक सीट लेके उसको थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। और एक छोटा सा आटा का गोला लीजिए, उसे पहले हाथ से बड़ा कीजिए। बाद में उसके ऊपर और एक प्लास्टिक सीट डाल के बेलन से उसको बड़ा सा रोटी बना लीजिए। मैंने पहले से ही गैस पर तवा गरम करने के लिए रखी थी। रोटी को तवा में डाल दीजिए और थोड़ा सा तेल डाल के उसके ऊपर एक ढक्कन लगा के 2 मिनट तक सेकिए। बाद में ढक्कन निकाल के रोटी को पलटा के दूसरे साइड से 2-3 मिनट सेकिए। इस तरह से रागी का मसाला रोटी तैयार है। इसे हम घी के साथ खा सकते हैं और चटनी दही के साथ खा सकते हैं। आप भी ये रेसिपी घर में बनाइए और सबको खिला लीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे नए रेसिपी आपको पहले मिले। इसे आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।